हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड आप लोगों ने अभी मेरा थंबनेल देखा तो इसीलिए आप लोग यहां पर है, तो थैंक यू। और ये वीडियोस ही है थंबनेल बनाने के लिए, क्योंकि मैं आज आप लोग को एकदम अच्छे तरीके से सिखाने वाली हूँ कि थंबनेल कैसे बनाया जाता है। मतलब कि मैं जिस तरीके से थंबनेल बनाती हूँ, एकदम अट्रैक्टिव थंबनेल होता है वो, मतलब कि अट्रैक्ट कर देता है हर एक ऑडियंस को, हर एक व्यूअर्स को। तो इसीलिए मैं चाहती हूँ कि आप लोग भी उसी तरीके का थंबनेल बनाएं। और जो होता है एकदम आजकल, अभी सिंपल थंबनेल नहीं चल रहा है, जो भी अभी एकदम डिजिटल और एचडी क्वालिटी में थंबनेल अभी चाहिए हर किसी को, क्योंकि जो क्लिक जो दिखता है वही बिकता है। आप लोग ये भी जानते होंगे क्योंकि मैंने ये भी चीज़ सुना है, तो मैं ये चीज़ें आप लोगों को बता रही हूँ। क्योंकि अगर बिना अट्रैक्शन के अगर कोई काम होने लगा तो बिना कोई भी चीज़ें आप लोग सजा नहीं पाएंगे, चाहे बढ़िया से कर नहीं पाएंगे। सो इसलिए मैं चाहती हूँ कि जो जितना ध्यान आप लोग वीडियोस बनाने में देते हैं, उतना ही ध्यान अगर थंबनेल बनाने में भी दे, तो कम से कम हम लोग का 50% काम वहीं पे हो जाएगा। जो यूट्यूब में व्यूज़ नहीं बढ़ते, हम लोग का काम थंबनेल से ही हो जाना है। तो आज मैं आप लोग को अपना एक वीडियोज़ के बारे में बताने वाली हूँ, जो मेरा एक अभी ट्रेंडिंग में थोड़ा सा ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि मुझे खुद ऐसा लगता है कि मेरा वीडियोज़ ट्रेंड कर रहा है, क्योंकि उस टाइम उतना व्यूज़ नहीं आता, लेकिन इधर इतना अच्छा व्यूज़ आया ना कि मैं खुश हो गई हूँ। तो इसीलिए मेरे लिए इतना व्यूज़ काफ़ी है, बाकी लोग के लिए कितना व्यूज़ काफ़ी होता है हमको नहीं पता, लेकिन मेरे लिए इतना व्यूज़ काफ़ी है। मुझे लगता है कि मेरा चैनल ग्रो कर रहा है, सो इसीलिए मैं आप लोग को अभी थंबनेल ऐप बताने वाली हूँ। देखिए, अभी पिक्सल ऐप और कैनवा नाम का चीज़ जो अभी हम लोग बनाते, उसमें क्या है, उसमें आप लोग थंबनेल बना भी लेते हैं, लेकिन उसमें अब वो होता है ना, अपग्रेड होने के लिए उसमें पैसा मांगता है। मतलब हर एक अब धीरे धीरे उसमें पैसा मांगने लग रहा है, तो इसीलिए उतना कुछ करने का नहीं। आपको मैं एक ऐसा ऐप के बारे में बता दूंगी कि उससे आपको हेल्प हो जाएगा। मुझे भी किसी ने बताया है, लेकिन इस वीडियो में मैं उनको थैंक यू बोलना चाहती हूँ, क्योंकि उन्हीं के वजह से जो मुझे थंबनेल का आइडिया मिला, और उनके वजह से ही मेरा व्यूज़ भी थोड़ा थोड़ा आ रहा है। तो इसीलिए मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूँगी। और वो जो वीडियोस के लिए मैं थंबनेल बनाती हूँ, मैं उसी ऐप से बनाती हूँ जो मैं अभी आप लोगों को बना के दिखाती हूँ। तो चलिए देखते हैं कैसे मैं थंबनेल बनाती हूँ। तो गाइज़, आप देख सकते हैं मैं मोबाइल स्क्रीन पर आ चुकी हूँ, और यहाँ पे मैंने पहले से ही थंबनेल मेकर ऐप प्लेलिस्ट प्ले स्टोर से मैंने डाउनलोड करके रखा है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये अभी लोड ले रहा है, और उसके बाद यहाँ पे आपको पूरा बना बनाया हुआ आपको थंबनेल मेकर मिल जाएगा। एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने ढेर सारे यहाँ पर लिखा हुआ है, जितना भी है सारे स्टेट, मतलब जितना भी थंबनेल आप बनाने वाले होंगे उसका ऑप्शन दिया हुआ रहता है। सो अभी मैं व्लॉग का खोज रही हूँ, तो व्लॉग में यहाँ पे सामने में आपको ऑप्शन मिल जाएगा। इसमें भी चूज़ करना पड़ता है जिस हिसाब से आप लोग बना सकते हैं। जैसे आज हम लोग व्लॉगिंग करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कहीं हम लोग जैसे घूमने जा रहे हैं, तो उसका हम लोग अभी उठा लेंगे टेम्पलेट जैसे डाउनलोड हो रहा है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ा सा ऐड भी आ गया है इसमें, तो इस ऐड को इग्नोर करके इसे स्किप करिए इस वीडियो को, और उसके बाद हम लोग इसके थंबनेल को सुधारेंगे। एंड इसमें क्या करना है, आपको कुछ कुछ बदलाव करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे टिप्स अबाउट लिखा हुआ है, तो इसको बदलना पड़ेगा आपको। जैसे इसमें इसको मैंने डिलीट कर दिया है, जितना भी लिखा हुआ है इसको मैंने डिलीट कर दिया, मुझे अपने हिसाब से लिखना है। तो इसमें क्या लिखना है ये हम लोग अपने हिसाब से लिखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको भी मैंने डिलीट कर दिया है जो लिखा हुआ था, और यहाँ पर एक जो अच्छा सा एकदम ब्यूटीफुल सा पिक्चर है उसको मैंने रहने दिया है, क्योंकि उसी का काम है। और फिर यहाँ पर आप नीचे देख सकते हैं टेक्स्ट का ऑप्शन लिखा हुआ है, उस पर आप क्लिक करके इस पर आप हिंदी वर्जन कर सकते हैं। जैसे ट्रांसलेट करने के लिए आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, आज मुझे कहीं घूमने जाना है, ऐसे करके लिख सकते हैं। जैसे आज हम लोग कहीं घूमने जाएंगे, और इसके बाद इसको क्लिक कर लेना है। जैसे कि अभी मैंने लिखा है आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं। अगर आपको अपडेट देना है तो आप एकदम पॉजिटिव आपको ये थंबनेल में लगाना होगा, तो आज हम लोग घूमने जाने वाले हैं, जैसे कि मैंने लिख दिया है, अभी का अपडेट लिख दिया है मैंने। फिर इसको यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीका से ये लिखा चुका है। एंड वहाँ पे अभी हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट हम लोग आउटलाइन पे जाएंगे। आउटलाइन मतलब इसके साइड साइड जो वाइट कलर का लाइन होता है ना, हम लोग उसको सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे अभी आप देख सकते हैं, और इसको हल्का हल्का थोड़ा सा तेज़ कर देंगे, जैसे इसका लाइम लाइट बढ़ा देंगे ताकि ये और अच्छे तरीके से दिखे। एंड उसके बाद अभी हम लोग बैकग्राउंड में जाएंगे, और जो सूट करेगा वही बैकग्राउंड इसके पीछे लगा देंगे। तो आप देख सकते हैं कितना सुंदर कलर, यहाँ पे ढेर सारे कलर है, जो आपको अच्छा लगे वही हिसाब से लगाए, लेकिन अट्रैक्टिव लगाइए कलर ताकि ये सूट करे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रही हूँ, आप लोग भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो जैसे मुझे ये एकदम
गुलाबी कलर का सूट कर रहा था, लेकिन मैंने इसमें पर्पल यूज़ किया है। पर्पल भी नहीं है, ये रानी कलर का है, तो इसको आप लोग इसमें यूज़ कर सकते हैं। और डार्क पिंक पे ये अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे मुझे अब इमोजी लेना है, तो यहाँ पे आपको टेक्स्ट पे ही जाना पड़ेगा वापस से। जैसे मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और वापस से आपको टेक्स्ट पे जाना पड़ेगा ताकि यहाँ पे हम लोग इमोजी लाएँ। और यहाँ पे इमोजी का ऑप्शन आपको लिखा हुआ है, तो आप इसमें अच्छे तरीके से इमोजी डाल करके इसको ऐड कर देंगे इसमें। और ये देख सकते हैं बिग साइज़ में इमोजी आ चुके हैं। और इसके पीछे भी आपको अगर ब्लैक वाले शेडो लगाना है तो यहाँ पे शेडो का ऑप्शन है, उस पर क्लिक करके इसका रेडियस बढ़ा दीजिएगा। जैसे कि मैंने क्लिक कर लिया ब्लैक कलर का और इसका रेडियस बढ़ा दीजिएगा, तब ये ब्लैक हो जाएगा और इतना सुंदर तरीके से थंबनेल हम लोग का तैयार हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ करने का ज़रूरत नहीं है गाइज, और आप देख सकते हैं कितना सुंदर तरीके से थंबनेल बन के तैयार है। और इसको अभी लगा दीजिएगा तो एकदम तड़ातड़ व्यूज आएंगे, तो आप लोग को एकदम ऑल दी बेस्ट, क्योंकि मेरे साथ भी एकदम ऐसा ही हुआ था। आप लोग अगर वीडियोज़ पसंद आए तो ज़रूर लाइक कमेंट शेयर करें एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। बाय गाइज़।